तो भाई ये गाना सिद्धू भाई के लिए ट्रिब्यूट। So we are like 1 फोन लेके जल्दी बैठो, जल्दी गाड़ी में बैठो। सीधे क्या क्या रुको जल्दी करो भाई, क्या फोन में था क्या आपके? अरे सब फोन था। अरे इतना तो गाइस व्हाट्स अप, क्या है, रुक जाओ तुम व्लॉग तो कर ले। और गाइस देखो भाई, मेरे पास वैसे गिनने को तो 6 गाड़ियां हैं पापा भागी सबकी मिला के, बट अभी करंट में एक भी नहीं है। है क्या चिनू, एक भी गाड़ी? बम्बल भी तो बेचारी आउट ही हो गई है, यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है। चीनू को बुलाना पड़ा सामने, वो अपनी बाइक लेके आया। अब आप पूछोगे भाई 6 गाड़ी के बाद आगे गाड़ी है कहीं किधर? तो गाइस हमारी एक परी पड़ी है शोरूम में, एक पापा ले गए, एक भाई ले गया, हाथी मेरा बड़ा भाई ले गया, बचता गाइस मेरी कार सिंड्रेला, तो वो खड़ी है सर्विस शोरूम पे। तो गाइस हमको जाना है उसको पिक करने, उसके बाद गाइस अपने को चलना है साक्षी दी से मिलने। और आज हम करने वाले उसको तगड़ा वाला प्रैंक, इतना कर्रा प्रैंक मैंने सोचा है तगड़ा वाला, निकिता पे करना था बट निकिता मिलती नहीं है तो उन पे करेंगे। फटाफट चलते हैं, गाड़ी को उठाते हैं और प्रैंक समझाते हैं कि प्रैंक क्या है। चले बॉस, चलो जब मैं वो तो पहन लूं चश्मा, और ये लाओ रुमाल दो भाई। तो गाइस गर्मी में जरूरी है रुमाल, क्योंकि गमछा वगैरह गमछा हमको जमता नहीं है। अब मम्मी के, अरे बड़ा रुमाल दो ना, तो छोटा रुमाल दे रही हो, ये तो मम्मी की हाइट छोटी है तो मैं ऊपर तक ही नहीं पहुंच पाती, यहाँ तक आती है मम्मी मेरे। तो तेरी हाइट कितनी आ रही है, तेरी हाइट कितनी आती है मेरे से? ये देखो ये भी इतना, ये तो फिर भी आता है, मम्मी तो इतनी आती है मेरे से। तो भाई फटाफट चलते हैं, गर्मी बहुत देर है भाई, दोपहर के 3 बज गए, गर्मी पीक पे है। ले आई, ये हमें नहीं आता बांधने, ये नहीं बांधेंगे हम। अरे छपरी लोग बांधते हैं, गुंडे लोग छपरी लोग बांधते हैं। तो गाइस देखो प्रैंक कुछ ऐसा है कि बहुत यूनिक प्रैंक है, मैंने कब से सोच रखा था बट किसी पे करना था, कोई मिल नहीं रहा था, तो साक्षी जी ने हमको वैसे ही धोखा दे रखा है, तो भाई क्यों ना उनको थोड़ा सताया जाए। भाई अब तो दीदी ही बोलता हूँ मैं, क्योंकि वो कुछ होना तो है नहीं, वो साफ मना उन्होंने कर दिया था, हम रिजेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स तो ही, पर मैं उनको दीदी बोलता हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा वही लगता है। भले थोड़ा मेरे को हर्ट होता है, तुम लोग को भी होता होगा। और गाइस साक्षी दी बहुत, मतलब कल फ़ोन पे उदास थी, क्योंकि भाई आप लोग उनको बहुत ज़्यादा हेट कमेंट कर रहे हो, जो कि बहुत गलत बात है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा भाई आप लोगों से, छपरियों वाली बात अलग होती है भाई, पर आप किसी लड़की को ऐसा बोलो तो गलत चीज़ है भाई। मैं बिल्कुल आप लोग के अगेंस्ट हूँ, तो भाई वो चीज़ मत करो बिल्कुल भी। तो इसलिए उन्होंने मुझे मिलने बुलाया कि भाई तू आ कुछ क्लियर करेंगे, बट उनको पता नहीं है कि भाई क्लियर की जगह आज उनका ही क्लियर होने वाला है, हम प्रैंक करने वाले तगड़ा वाला। गाइस प्रैंक आपको नहीं बताऊंगा, प्रैंक बताऊंगा कार में बैठ के, बढ़िया सामने आईफोन माउंट करेंगे, कार चला के चलेंगे। तो गाइस राइट में है अपनी होटल, में आपको दिखा देता हूँ, ये सामने है और डायमंड अभी वहीं सो रहा होगा। डायमंड से मिलना है क्या चीनू? आते हुए मिलते तो गाइस आपको डायमंड के दर्शन कराएंगे हम, रात को जब प्रैंक करके लौटेंगे ना तब करवा देंगे। और हम लोग को अभी यहाँ से इंद्रपुरी जाना है, काफ़ी दूर है, गर्मी बहुत हो रही है भाई, जहर गर्मी है। और ये मेट्रो बन रही है, PWD का ब्रिज बन रहा है, कौन है भाई हॉर्न क्यों मार रहा है, निकल जाती जगह रख रखी है तेरे लिए। अरे अरे चाचा चाचा, अंकल जी बैठो 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 बैठो, काहे परेशान हो रहे हो अंकल धूप में, हम तो हैं। चलो भाई लात लगानी है, चलो मेरे हती, जान दो अंकल ब्रेक मत लगाओ, स्पीड में आपको रोलिंग दे दूंगा। चलो ओके बाबा थैंक यू। अरे मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, थैंक यू जब वो बोलेंगे ना, थैंक यू नहीं बोला अंकल ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस सामने खड़ी है गाड़ी और बस ऑयल डलना बचा है, बाकी सब कुछ हो गया, वॉश हम बाद में करवा लेंगे। और जैक से उठा रहे हैं अंकल गाड़ी के, देखो खड़ी कर दी आधी पूरी जमीन से, अब इसमें ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा, बाकी सब काम ऑलरेडी इसमें हो चुका था, ज़्यादा काम था भी नहीं, नई गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट, अब ऑयल डला के चलते हैं ठीक है। तो गाइस गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट बन चुकी है, परी तो बन जाएगी, मैं कार की बात कर रहा हूँ। और गाइस मैं निकल चुका हूँ दीदी की लोकेशन पे, फोन लगा के पूछ लेते हैं भाई कहाँ मिलेंगे, आगे लगा के पूछते हैं, फिर तेल डलवाते हैं। और भाई बहुत तगड़ा प्रैंक है, चीनू चल रहा है पीछे बाइक से, उसकी उसकी जरूरत है। अब आप बोलोगे भाई उसको बाइक से लेके जा रहा है भाई, दो गाड़ी लेके जा रहा है, पेट्रोल ज्यादा आ गया क्या? तो गाइस पेट्रोल वाली बात नहीं है, बात यह है कि भाई चीनू को करना है फोन स्नैचिंग। जी हाँ गाइस, आज हम करने वाले हैं साक्षी दीप पे फोन स्नैचिंग प्रैंक, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा, किया होगा बट मुझे नहीं पता, बट मेरी तरफ से पहली बार कर रहा हूँ। तो गाइस काफी तगड़ा होने वाला है, मैं साक्षी दीप को बातों में उलझा दूंगा, कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो अपना फोन जो है ना, मतलब कहीं भूल जाए, उसका चीनू को इशारा मार दूंगा, चीनू फोन ले गायब हो जाएगा। उसके बाद हम साक्षी दीप को इतना रुलाएंगे कि भाई वो रो पड़ेगी, उसके बाद अपन उनको फोन देंगे कि हम आपका प्रैंक कर रहे थे। भाई बहुत तगड़ा एक्सप्रेशन होगा, बहुत तगड़े रिएक्शन होंगे, बहुत तगड़ा मजा होगा। तो अभी से भाई सीट की पेटियां बांध लो, अब गाड़ी में थोड़ी बैठे हो, जो भी खाना वाना ले आना है भाई फटाफट ले आओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, साइड दे दो भैया, एक तो भाई
भोपाल में गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि मैं क्या बताऊं। देखो अब हटता ही नहीं है ये, देखो भाई। ओ भाई तुम्हारे भाई गाड़ी में हूटर भी लगा हुआ है, दिखाऊं क्या? ये देखो गाइस, गाइस अब जाके साइड मिलेगी मुझे, देखना आप। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे और चीनू तू बैठ गया ना, अभी मैं फोन लगा रहा हूँ, ठीक है? तू फट से गायब हो ना, उसको टाइम लगेगा आने में दीदी को। तो गाइस पहले पूछते हैं साक्षी जी है किधर। हाँ कहाँ हो आप? मैं तो बाहर खड़ा हूँ, पार्किंग में आ जाओ। पार्किंग में आओ सीधा। हाँ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है? ओके तुम जल्दी तू गायब हो जा। सुन मेरे इशारे का वेट करना, ठीक है? आस पास नहीं ना दिखना मत, को जानती नहीं है वो, क्योंकि चीनू को जानती नहीं, फर्स्ट टाइम मिल रही होंगी तो चीनू को कोई दिक्कत नहीं है, आस पास खड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बस को इशारा कर देंगे फोन लेके गायब हो जाएगा। जल्दी भाग जा। तो गाइस मजा आने वाला है, तगड़ा वाला भाई साहब, साक्षी दी आने वाली है, डिंग 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 डिंग। आज उनको पता नहीं क्या प्रैंक होने वाला है, उनको लगा मैं उनका दुख दर्द दूर करूंगा, बट ठीक है भाई, तुम्हारा भाई भी कुछ से कम है क्या? मक्खी फंस गई इधर, मक्खी को उठाना पड़ेगा। आइए पधारिए बड़े बड़े लोग। तो गाइस भाई हम तो धन्य हो गए, इतने बड़े और इतने खूबसूरत लोग हमारी गाड़ी में बैठे हैं, बाबा जी की, बाबा जी की मेहर बनी रहे और भाई पाए लागू आपके। गाइस हम बहुत धन्य है कि हमारे साथ आज परम पूज्य और वर्ल्ड फेमस साक्षी ठाकुर जी हमारे बगल में बैठी है। क्या हो रहा है अंदर? स्विमिंग पूल है अंदर, डुबकी लगा लूं? बच्चे पार्टी कर रहे हैं, एक्चुअली वो उनको लेके आई ना, मेरा नेफ्यू जा रहा है। तो नेफ्यू का मतलब मुझे नहीं पता था, जरा आप भी बता दो गाइस क्या होता है। नेफ्यू मतलब भाई का लड़का, दीदी का लड़का। इन्होंने मुझे बोला नेफ्यू, मतलब भाई नेफ्यू कौन होता है? मैंने फियोंसी सुना है, नेफ्यू का नया वर्ड है। तो भाई अब यूएस वाली है ना, अरे फियोंसी तो अच्छा, फियोंसी अलग होता है। अब ये भाई क्या है, ये पढ़ी है यूएस न्यूयॉर्क से, ठीक है? क्या किया आपने दीदी वहाँ से? एक्टिंग कोर्स। कितना मतलब सही शिकार मेरे हाथ में आने वाला था, बट किस्मत ही है क्या, डेड तो क्या करेगा पांडू। अच्छा आप बोल रही थी कि आप बड़े सैड हो करके। हाँ, मैं बहुत सैड हूँ। अरे शिट, मैं आपके लिए कुछ लाना भूल गया। क्या लाना भूल ही गए? कुछ तो लाता, बट ठीक है अभी ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, क्या लाओगे? अब मैं ले आऊंगा, मेरी मर्जी। हाँ। पूछ के लाऊंगा क्या भाई? वैसे आपके लिए कुछ है मेरे पास, मैं दे देता हूँ। वैसे लाया था मैं, खा रहा हूँ कुछ नहीं, खाली पैकेट। अरे यार इसमें था यार, इसमें रोज रखा हुआ था, मैं आपको फिर से प्रपोज कर देता, बट ठीक है। बार बार प्रपोज कर, वैसे ही तुम्हारे ये फैंस मुझे बुरा बुरा बोलते हैं कि प्रपोज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं कल रो रही थी, मैंने कल स्टोरी भी लगाई कि यार ऐसे कमेंट मत करो, मैं बहुत अपसेट थी। मतलब गाइस कमेंट कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर? हाँ, आपकी वीडियो में मेरे इंस्टा के उस पे इतना बुरा कि हमारे भाई का प्रपोजल एक्स, अब मैं कैसे कर लूं यार, दो दो बॉयफ्रेंड थोड़ी बना सकती। अरे भाई नहीं गया तो नहीं गया, दिल मेरा टूटा, तुम लोगों को क्या दिक्कत है भाई? मुझे मिली थी वो, मेरे को उनसे सब अटैचमेंट हुआ और मुझे ना मिला तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? अरे मैं और सुमित तो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि आप लोग फालतू ही सैड हो रहे हो, हमारी दोस्ती देखो। सही बात है भाई, कोई जरूरत नहीं है, दूसरी लड़की मिल जाएगी, देखेंगे आज नहीं कल मिल जाएगी, मेरे को आ रहा है, मेरे को सपना आ चुका। प्लीज यार मुझे हेट कमेंट नहीं, हेट कमेंट बिल्कुल नहीं। देखो लड़की है, इज्जत करो भाई, मेरी करते हो ना, मेरी नहीं करोगे इज्जत तो मैं आपको कंटेंट अच्छा दूंगा नहीं, कंटेंट ही नहीं बनाऊंगा, भले पैसे ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर भाई इज्जत करनी पड़ेगी। डांट दो प्लीज गाइस, हेट नहीं, डांटो गंदे बच्चों को डांटो, बिल्कुल ऐसे कमेंट मत करना, अच्छे कमेंट करो। प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो खुश अभी, हो जाओ। अभी वो गर्लफ्रेंड बनेंगी, ब्रेकअप करेंगी वो अपने बॉयफ्रेंड से, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। चलो कुछ खा भी के आते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ तो बहुत सुनसान है ना, तो ठीक है चले। हाँ चलो चलो, ठीक है। आज कैसी लग रही कमेंट करके बताना भाई, वो तो ऑलवेज अच्छी लगती है यार। तो भाई ये गाना सिद्धू भाई के लिए ट्रिब्यूट, सही है? सॉन्ग तो अभी छोड़ो आप, पहले मेन चीज ये कि आपको ना, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आपको व्लॉग करना नहीं आता है, आप क्या करती हो? तो भाई मैडम क्या करती हैं, फ्रंट कैमरा से व्लॉग करती हैं, ठीक है? और व्लॉगिंग इंडस्ट्री जो है, जो इसमें हम लोग हैं, उसमें व्लॉग ऐसे किया जाता है, बैक कैमरे को ऐसे करके। अभी मैं नहीं, अब मैडम तो है गाइस, आज मैं नहा के आई हूँ, मेरे बाल ड्राई है ना, भाई लड़कियों के पास की नहीं है व्लॉगिंग, तो इनको पहले अपन सिखाते हैं कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं। तो सिखाऊं मैं आपको या खाली जगह पे आपको कैमरा शाइप, वहाँ भाई हम लोग वहाँ रुके थे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बोला मेरे को जम नहीं रहा, बहुत सारे बंदे कहीं अकेले में लेके चल खाली जगह पे, ठीक है साहब ये जगह अच्छी है, तो भाई यहाँ कहीं अपन रोकते हैं गाड़ी, कर लोगे व्लॉग? मैं आपको सिखा दूंगा वैसे कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं करना दीदी, ये आपका फोन है साक्षी,
कैमरा ऑन किया, फ्रेम 60 में किया, ठीक है ये 60 में हो गया। तो है गाइस मैं हूँ सुमित और मेरे बगल में बैठी है साक्षी ठाकुर जो कि काफी ठीक है। तो ये ऐसा करना है, got it? चलो ये लो, आ जाओ बाहर, गाड़ी में थोड़ी करोगी, थोड़ा बाहर निकलो तो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो बस ठीक है चलते हैं। बाहर क्यों? तो बाहर क्यों नहीं, अच्छा तो ये गाड़ी में कह रहे हो तो भाई आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बाहर का दिखाओ लोगो, लोकेशन दिखाओ तब तो सही रहेगा। ओके एसी में करना है एसी में कर लो, फिर कोई मतलब का नहीं, एसी की नहीं पाओगे भाई, बैठे रहो ऐसे ही बनाते रहो रील, कोई दिक्कत नहीं, करो करो, नहीं करो ठीक है, थोड़ी ग्रीनरी दिखा दे, वही ग्रीनरी दिखाओ, मैं टॉयलेट भी होके आ जाऊंगा, चलो आ जाओ। तो गाइस ठीक है चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है भाई साहब ट्रायल, कैसे करते हैं, मैं कैमरा साफ कर लेता हूँ पहले। हाँ ऐसे ही करना है, बोल के दिखाओ कुछ। हाय गाइस, तो मैं आ रही हूँ रोड पे, कंटिन्यू करो ठीक है, मैं आता हूँ टॉयलेट करके उधर से, यही ज्यादा दूर मत जाना रोड पे, तो कोई उड़ा देगा आपको, वैसे इतनी खूबसूरत है कि लोग इनको देखते रहते हैं, आगे देखते ही नहीं हो, वो घुस जाते हैं कहीं में ना घुस जाए, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही करना व्लॉग। मैडम जी व्लॉगिंग कर रही है और गाइस अपना अपना सक्सेस करेंगे, और चीनू सामने खड़ा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, वो देखो भाई, गाइस मैं चीनू को इशारा करूंगा और चीनू वहां से दौड़ लगाएगा, और देख नहीं रही चीनू, वो गाइस चीनू जा रहा है, वो देखो जा भाई जा चीनू, जा 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 जा, वो गाइस चीनू चला गया, और गाइस मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, ऐसे मुझे आवाज आएगी साक्षी दी की फ्री में जाऊंगा, और गाइस फोन चोरी हो रहा है शायद। ओह हियर इट इज, वाओ वेरी नाइस व्यू, सो वी आर लाइक, हम भी व्यूज बटोरेंगे। तो गाइस आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कि अपलोड होगा एक या दो दिन में, तो भाई मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा आप लोगों को सबर करवा रहा हूँ, बट भाई करवाना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट हर बार नहीं बनता, कभी कभार बनता है, तो प्लीज थोड़ा सबर रख लो भाई, एक दिन में पार्ट टू आ जाएगा, यहां तक कि मैं टू भी कंटिन्यू लगा दूंगा। और सॉरी गाइस लोग, भाई लोग मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताओ, और आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, मुझे अगर आप 2000 कमेंट प्लस कर दोगे तो मैं पार्ट जल्द से जल्द डाल दूंगा, शायद शाम को ही डाल दूं, अगर कमेंट स्लो करोगे तो भाई पार्ट धीरे आएगा, 2-3 दिन लगा दूंगा, स्पॉन्सर ढूंढ के लगाऊंगा, फिर मत बोलना भाई, भले गाली बक देना कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे चाहिए 2000 प्लस कमेंट, तब जाके सेकंड पार्ट में इसमें रिलीज करूंगा। तो फटाफट जाओ भाई कमेंट सेक्शन में घुस जाओ और आग लगा दो, कहर मचा दो। ओके देखो एडिटिंग मैंने यही आधे पे ही रोक दिए, क्योंकि अब मैं यही वीडियो ऐड करके वीडियो को खत्म कर दूंगा, मिलूंगा आपको किसी और शानदार वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित, जय हिंद जय भारत, बाय बाय। और हाँ गाइस गाली बकनी मेरे को पकड़ो, मन में पकना, कमेंट सेक्शन में, वो यूट्यूब ब्लॉक कर देगा, नहीं तुमको मुझे पता है, मैंने आप लोग का दिल तोड़ दिया ना, मतलब आधे वीडियो रोक के, चलता है भाई करना पड़ता है, सस्पेंस बना रहेगा जीवन में मजा आएगा, सस्पेंस नहीं जीवन चलता जा रहा तो मजा नहीं आएगा, तो वेट करो, बाय बाय, गुड नाइट।